नमस्कार दोस्तों, कोइंस ज्ञान नॉलेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी में आपका स्वागत है। अल्बर्ट आइंस्टाइन द ग्रेट साइंटिस्ट को कौन नहीं जानता होगा, जो कि एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जाने जाते हैं। इन्होंने भी अपने काफी ढेर सारे पैसे स्टॉक मार्केट में गंवा दिए। तो चलिए जानते हैं, इतने महान और बुद्धिमान होने के बाद भी इन्होंने कैसे अपने पैसे स्टॉक मार्केट में गंवा दिए। बात है 1920 की। उस वक्त US मार्केट की इकोनॉमी बहुत ही तेज से बढ़ रही थी और लगभग सारे ही कंपनियां बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी। उस समय में सारे इन्वेस्टर काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे और कमा भी चुके थे। सारे स्टॉक्स के प्राइस अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे थे। फिर आता है 1921। इस साल अल्बर्ट आइंस्टीन को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और नोबेल पुरस्कार के साथ काफी अच्छी खासी रकम भी दी जाती है। उन्होंने अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए उस रकम में से ज्यादातर हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। उस वक्त स्टॉक मार्केट ओवर हाइप में चल रहा था और सारे शेयर्स के दाम ओवर वैल्यूड हो चुके थे। सारी कंपनियों की शेयर प्राइस उनकी कंपनियों की परफॉर्मेंस से भी ज्यादा हो गई थी। और फिर आप जानते ही हैं, जब किसी कंपनी की शेयर प्राइस ओवर प्राइस होती है तो मार्केट करेक्शन लेता ही है। इसी बीच धीरे धीरे सारे स्टॉक प्राइस नीचे आने लगे और ये सिलसिला चलता ही रहा। उसके बाद आता है 1929, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके चलते हर कंपनियों का शेयर प्राइस अगले 2 से 3 साल में ही 40 से 50% गिर गई। ये ऐसा दौर था जो कि सारे इन्वेस्टर्स बड़े बड़े लॉस झेलने लगे थे। इनमें से एक द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन भी थे। इससे यही सीख मिलती है कि जब भी किसी स्टॉक्स या क्रिप्टो का प्राइस ज्यादा ऊपर जाता है तो आज नहीं तो कल करेक्शन आना ही है। सो डोंट बी ग्रेडी, वेट फॉर द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और प्लीज, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।